हाय फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू टर्नअराउंड एकेडमी प्रोग्राम। और आज मैं बताऊंगा फ्लाइट से उतरने के बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है दुबई एयरपोर्ट के अंदर। ये मैं दुबई एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और ये क्यू में हूँ इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए। तो फर्स्ट जॉब इमिग्रेशन क्लियरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का मार्क है, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। और आपके पास जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस होगी। तो इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए तीन चीज आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास का जो काउंटर पार्ट है, और जो डिक्लेरेशन फॉर्म फ्लाइट के अंदर आपको जो मिलेंगे वो फिल किया हुआ। ये तीन चीज आप काउंटर में देंगे और उसके बाद इट इज सिंपल सेम इमिग्रेशन प्रोसेस। अभी मेरा इमिग्रेशन हो गया और वहां से मैं बाहर आ चुका हूँ और ये देखिए मैं जा सकता हूँ, जा रहा हूँ। आगे जाते ही आपको एक डिस्पोजेबल गार्बेज बॉक्स मिलेंगे, वहां पे आपके पास जो डिस्पोजेबल कवर है, फिर आपकी जो फेस शील्ड है जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं होगा, तो वो चीज आप ये रेड कलर की देख सकते हैं। यहाँ पे एक आदमी भी है कलेक्शन के लिए, वहां पे आप डिस्पोज कर सकते हैं। इधर उधर आप डिस्पोज ना करें और वहीं पे डिस्पोज करने के बाद आप बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपके पास जो हैंडबैग्स होगा ना वो स्कैनिंग होगी। तो ये हैंडबैग स्कैनिंग हो गया, ये देखिए होने के बाद मैं बाहर आया हूँ और यहाँ पे इस तरह से आपको दोबारा एक क्यू मिलेंगे और इसी के थ्रू आपको फॉलो करते हुए आपको जाना है। पहले आपको कोविड टेस्ट होगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो आपको क्यू दिख रहा है, ये जो यहीं पे है आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। देखिए इस तरह से आप जाने के बाद ये देखिए आप, ये रजिस्ट्रेशन के लिए काफी सारे काउंटर बना हुआ है। ये मैडम यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे आपकी पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, ये दोनों चीज आपको देना है, और आपके पास अगर एमिरेट्स आईडी है तो वो भी देना है। तो उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर आपका डिटेल रजिस्ट्रेशन हो रहा है कोविड टेस्ट के लिए, ठीक है, और ये पूरे डेटाबेस में चला जाता है। तो वेरी प्रोफेशनल वे गवर्नमेंट हैज अरेंज, दुबई गवर्नमेंट हैज अरेंज, इट इज वेरी नाइस। वी शुड फॉलो द सेम प्रोसीजर इन इंडिया। अगर आप इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो अनलॉक फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट इज वेरी इजी। And लेकिन we have some arrangement but we need to improve that। तो ये देखिए जो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चलेंगे it is very professional arrangement। तो यहाँ पे मेरा registration complete हो रहा है और जैसे ही मेरा ये registration complete होगा तो मैं test के लिए चला जाऊँगा। और इसके लिए मेरे को कोई queue में खड़े नहीं होना पड़ा, इतने सारे counters है जो just like a moving traffic, I am just walking और my number has come। तो वहां से निकलने के बाद ये देखिए मैं यहाँ से निकला हूँ और इसके बाद मैं अभी टेस्ट के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये है टेस्ट का काउंटर, ये देखिए ये 1 2 3 4 इस तरह से काउंटर डाला हुआ है। तो ये काउंटर्स के अंदर मेरा अभी टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा। आपका लगेज बाहर रख के, आप हैंडबैग वगैरह जो कुछ भी है वो रख के आप अंदर जाके बैठिए। ये देखिए इस तरह से कलेक्शन के लिए ये जो मेडिकल ऑफिसर्स है दे विल कलेक्ट। और उसके बाद आपको पासपोर्ट के पीछे उन्होंने एक स्टिकर डाल देंगे, वो स्टिकर को आप स्कैन करेंगे ना मोबाइल में तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। हाँ ये देखिए, तो ये इसमें 24 आवर्स टाइम लगता है, विद इन 24 आवर्स दिस रिपोर्ट विल अपडेट। आप इसमें आप अगर अबू धाबी के लिए है तो अल हसन बोल के एक ऐप्स है वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इवन प्रीवियसली भी आपने किया है तो वो भी आएगा। यहाँ पे आपको ये देख रही मैडम बैठा है, यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट करेंगे, तो मेक श्योर इट इज यू हैव सबमिटेड, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप सबमिट किया और उसके बाद आप बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आएंगे तो आपका ये बेल्ट आएगा लगेज कलेक्शन के लिए। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बहुत सारा बेल्ट्स है, आप कोई भी बेल्ट में जाके ये कलेक्ट कर सकते हो। तो इट इज सेम प्रोसीजर, यू हैव टू गो एंड देयर इज सो मेनी बेल्ट्स, यू हैव टू सी दैट व्हिच बेल्ट्स योर फ्लाइट्स आर हैज अराइव्ड। तो आपको वहीं पे जाके आपका लगेज मिलेगा, तो देयर इज नो चेंज। तो ये है आपका लगेज कलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे मुझे कोई स्पेशल सैनिटाइजिंग और समथिंग लाइक दिस आई हैव नॉट नोटिस, तो देयर इज नो चेंज। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, आप जाके स्ट्रेट वे लगेज ले सकते हो उसके बाद।
तो बेसिकली इट इज वेरी नाइस अरेंजमेंट हैज बीन डन, और इस तरह से अगर अरेंजमेंट आपके पास है तो आई डोंट थिंक इंटरनेशनल फ्लाइट ओपनिंग इज अ कंसर्न. आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड विजिट दुबई और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउ दे मेड द अरेंजमेंट, और अगर ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट. आई अप्रिशिएट दुबई गवर्नमेंट व्हाट दे हैव अरेंजमेंट यूएई गवर्नमेंट, सो इट इज एक्सीलेंट अरेंजमेंट. तो इसके बाद आपको अलग अलग इमिग्रेट्स के लिए अलग अलग रूल्स है. जैसे अबू धाबी के लिए 14 डेज क्वारंटाइन मस्ट, उसमें इतना हेवी फाइन है 50,000 दिरहम फाइन है आपकी. तो अगर आपने वायलेशन किया, आप क्वारंटाइन पीरियड में आप बाहर गए तो एंड दे आर ट्रैकिंग थ्रू दिस एप्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो आपको आपके ऊपर जो है ना फाइन आ जाएगा. तो इट इज वेरी वेरी फाइन, दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द पीपल. तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने अभी देखिए लगेज मैंने कलेक्ट कर लिया, और लगेज कलेक्ट करने के बाद ये ड्यूटी फ्री शॉप खुला है, आप चाहे तो कुछ भी बाय कर सकते हैं. यहाँ से मैंने एक पानी का बॉटल खरीद रहा हूँ, और जाने के लिए अंदर आपको डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव दिया जाएगा, वो आपको हाथ में पहनना है और उसके बाद आप जा सकते हैं. तो मुझे बहुत प्यास लगा था तो मैंने सोचा चलो एक पानी का बॉटल खरीद लेता हूँ. तो ये मैंने यहाँ से पानी का बॉटल खरीद लिया, ठीक है. और इसमें आपको और भी कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, इवन ड्यूटी फ्री शॉप्स है, एवरीथिंग्स आर देयर, इवन द वाइन शॉप्स आर आल्सो अवेलेबल देयर. तो मैंने एक बॉटल पानी लिया खाली और फिर मैं आगे जा रहा हूँ. ओके, तो ये मैं पानी खरीद लिया, थोड़ा सा पानी पिया, और पीने के बाद फिर मैं बाहर जा रहा हूँ. ऐसे सीधा एग्जिट इज सिंपल, देयर इज नो अदर चेक. नाउ जैसे ही मैं बाहर जाएंगे तो टैक्सी स्टैंड आएगा और वहाँ से मेरा टैक्सी, और अगर आपके पास प्राइवेट कार है तो पार्किंग में रहेंगे, तो आप सेम प्रोसेस, देयर इज नो चेंज एट ऑल, इट इज सेम जैसा पहले था वैसे ही आपको वहाँ से आपको पिक कर सकते हैं, और आप चाहे तो टैक्सी भी ले सकते हैं. मैंने इस वक्त किसी को नहीं बुलाया था क्योंकि अबू धाबी से दुबई आने के लिए कई सारा प्रोसीजर है, तो मैंने एक टैक्सी हायर किया. बहुत सारा टैक्सी है, आपको मैं दिखाऊंगा जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपको देख सकते हैं, देखेंगे तो बहुत सारे टैक्सीज है लाइन से, और उसमें से आपको एक टैक्सी ले सकते हैं. ये है एग्जिट गेट और मैं ये गेट से बाहर जा रहा हूं. नाउ आई एम आउट आउट ऑफ द एयरपोर्ट. हाय सर, फाइनली रीच टू यूएई. आई एम इन जस्ट आउटसाइड ऑफ द दुबई एयरपोर्ट एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज आई हैव डन, आई हैव रिकॉर्डेड इट एंड I will upload these videos so you can see in the detailed process. It's a very simple process, but you know, to complete all these formalities, it is taking a little time. That's it. Procedure is very simple, and it is nothing harm actually. So what you can do, you just watch my video, full video, so that you will have the idea before traveling. Okay, so you can see the so many taxis are there outside, and if I able to show you, you can see. So I will take a taxi and I will go to the hotel. So they have done my COVID test, and on the passport they have put our sticker. Within 24 hours they say I will receive the SMS about the report. That's it. And I have given one the other ticket form, signed form they have collected, which is indicating that the 14 days quarantine I will follow, and like this. So that procedure what has been given government, here we are following, because mine is very high. It's
see the mirrors are outside, so don't violate the rule. It's you have to follow whatever the rules are for you. Okay. So, okay, let us see. See you. I'll show you what I travel throughout the road. I'll try to capture some more videos. Okay. अब मैं टैक्सी स्टैंड के तरफ जा रहा हूँ और वहां से टैक्सी लेके होटल। 24 घंटे के अंदर मेरा रिपोर्ट आएगा जो अल हसन एप्स है उसके अंदर अपडेट होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 24 घंटे के बाद जैसे ही मेरा रिपोर्ट आएगा तो दुबई से मैं अबू धाबी ट्रैवल कर रहा हूँ और उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर है। तो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ट्रैवल फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी। ओके, सी यू।